हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज भी मैं एक व्लॉग एडिट कर रही थी, तो सोचा थोड़ा सा व्लॉग के बारे में आपको बता दूँ कि उसमें क्या क्या था और किस किस तरह से वो व्लॉग बनाया। एक्चुअली गाइस, शादी कंप्लीट होने के बाद जो भी ससुराल में रस्में रहती है थोड़ी बहुत, हमारे अपर हिमाचल में उतनी भी ज़्यादा रस्में नहीं होती है जितनी थोड़ी बहुत होती है। तो वो मैंने तो शूट नहीं की थी, वो रच्ची ने शूट की थी, वो भी मेरे साथ ही थी। तो जो जो उसने शूट किया वो मैं व्लॉग बना के आपको दे रही हूँ। और इस व्लॉग में गाइज वो वीडियो भी होगा जहाँ हम लोग मैं पहली बार मायके आई, और मायके जब मैं पहली बार आई तो ससुराल वाले क्या क्या देते हैं हमारे मायके वालों को, तो उसमें बहुत कुछ बनता है, खाना जो भी होता है उसमें बनाई जाती है, पूरियाँ गाइज और भल्ले बनाए जाते हैं। तो वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि हमने क्या क्या बनाया। तो गाइस करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेक श्योर आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी आगे के भी व्लॉग आएंगे। तो इस व्लॉग से पहले मैं एक व्लॉग और डालूंगी। तो जो ये वाला व्लॉग बनेगा ना, ये 7 मई का व्लॉग है, और 8 मई थी तब हम लोग कहीं गए थे, मैं गई थी। तो वो व्लॉग मैं पहले डालूंगी क्योंकि वो व्लॉग मैं एडिट कर चुकी हूँ। तो वो व्लॉग मैं इस व्लॉग के पहले डालूंगी। तो इस व्लॉग को तो अभी एडिट करने में टाइम लगेगा। तो चलिए गाइस करती हूँ शुरू। तो गाइस, सबसे पहले मैंने की चूल्हा लिपाई, और ये थी मेरी पहली रस्म जो कि शादी के बाद की। और हमारे अपर हिमाचल में ज़्यादा रस्में नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है। सबसे पहले चूल्हा लिपाई करना पड़ता है, उसके बाद कुछ खाने के लिए बनाना पड़ता है। उसकी वीडियो नहीं बनाई, ये रच्ची ने थोड़ी सी वीडियो डाली थी तो इसको मैं डाल रही हूँ। कुछ ऐसा सा होता है। तो गाइज, मुझे 2 दिन ससुराल में हो गए थे, और उसके बाद हम लोग जा रहे थे पहली बार मायके, यानी कि मैं जा रही थी, रच्ची भी मेरे घर पे ही, मतलब मेरे ससुराल में ही रुकी थी। तो यहाँ पे माँ रखे थे हमने भीगने को डाल के, और इसको पीसा जा रहा है क्योंकि गाइज भल्ले बना रहे हैं, पूरियाँ और भल्ले बनेंगे, जो कि मेरे साथ पहली बार जब जाते हैं मायके तो मेरे साथ ही दिया जाएगा वो सब कुछ, जिसको छाबड़ा बोलते हैं इन लोगों, जैसे मेरे ससुराल में छाबड़ा बोलते हैं उसको। तो माँ पीसे जा रहे हैं, अभी भल्ले बनेंगे, पूरियाँ बनेंगी, और ये मेरे जेठानी सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि मुझे भल्ले बनाने फ़िलहाल नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया है भल्ले बनाना। ये हम लोग तंदूर के ऊपर जो बड़ा सा तवा देख रहे हो ना आप, उसमें बना रहे हैं, और पानी की हेल्प से बनते हैं ये भल्ले। तो मुझे तो अभी फ़िलहाल आते नहीं है, मैं सीख लूँगी। तो ये मेरे जिठानी ही बना रहे हैं।
तो फाइनली निकल पड़े हम हमारे घर की ओर, मेरे मायके की ओर। और गाइज मैंने ना जैसे ही मैं मायके में पहुंची, मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा खुश थी वहाँ पहुंचने पे। मुझे याद ही नहीं रहा कि वीडियो भी बनाना है, तो ये थोड़ा सा ही व्लॉग है वहाँ पहुंचने तक ही। ये रास्ते का ही बनाया था मैंने जाते जाते टाइम।